मोटाई जिला बनने के सभी लोगों को फायदे हैं। इसमें जिला मुख्यालय यहाँ बनेगा, आर्थिक गतिविधि जब बढ़ेगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मोटाई शहर के आसपास आएंगे, रोजगार की समस्याएं खत्म होंगी लोगों की। जो आज भोपाल जा रहे हैं, बैतूल जा रहे हैं, पांडुना जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, उन लोगों को रोजगार ही उपलब्ध हो जाएगा। और एक बड़ा वर्ग मुंटाई में जो एक बड़ी समस्या जो मुंटाई की बेरोजगारी की है वो भी खत्म होगी। और मुंटाई में लगभग 36-37 विभाग यहाँ पे आएंगे, जिससे मुंटाई के हर व्यवसायी को फायदा होगा और जनता को फायदा होगा। मुंटाई जिला बना समिति मुंटाई का मैं समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी आ रहे हैं, सभी से हम बार बार अनुरोध करते हैं कि ये गैर राजनीतिक सर्वदलीय मंच है, यहाँ पर केवल जिला बनाने की बातों को ही हम लोग करेंगे। मुल्तानी को जिला बनाना होगा, मुल्तानी को जिला बनाना होगा, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो। अब मैं हमारे क्षेत्र के जुझारू मेरे छोटे भाई हेमंतराज देशमुख जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे भी जिला बना समिति में आकर अपना समर्थन दे रहे हैं, तो अपनी बात भी रखे। भारत माता की, भारत माता की, तापी मैया की, तापी मैया की। मुल्तान को जिला बनाओ इस गैर राजनीतिक आंदोलन के मंच पे उपस्थित सभी मातृशक्ति बहनों के चरणों में नमन करता हूँ। सभी वरिष्ठ जन, सभी दलों से आए हुए साथीजन, सभी पत्रकार बंधु, सभी को मेरा प्रणाम है, नमन है। साथियों, ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये संवेदनाओं का विषय है, ये मुल्तान के हर जन जन के संवेदना का विषय है, ये राजनीतिक विषय बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से पांडुरना जिला बना, जिस तरीके से मैयर जिला बना, उसी तरीके से मुल्तान की जनता की ये बहुत पुरानी मांग है कि मुल्तान जिला बनना चाहिए। इसके लिए मेरा सर्व रूप से समर्थन मुल्तान जिला बनाने की समिति को है। दूसरी बात यह है कि जिला बनाने से क्या होगा। जिला बनाने से यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय आएगा, यहाँ पे डीएम कार्यालय आएगा, यहाँ पे एसपी का कार्यालय आएगा, यहाँ पे अन्य विभागों के कार्यालय आएंगे। जब जिला बनेगा हमारा क्षेत्रफल भी उस पैमाने पर रहेगा। साथ में यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज आएगी, कुछ व्यापार के, कुछ रोजगार के, कुछ स्वरोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध होंगे। जो हमारी मुल्तान में बेरोजगारी है, जो हमारे बच्चा दर दर घूम रहे हैं, उनके लिए एक व्यवस्था होगी और ये स्थायी व्यवस्था होगी। इसलिए मुल्तान जिला बनना ही चाहिए, ये मेरी मांग है। तीसरी बात, ये जरूर गैर राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन मैं रिश्ता रखता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री, लालू मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। मैंने उनके साथ काम किया है, उनकी संवेदनाएं हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं। इसीलिए मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि जिस तरीके से आपने पांडुरना का जिला बनाया, जिस तरीके से आपने मैयर के जिले की घोषणा की, उसी तरीके से आप मुल्तान जिले की भी घोषणा करिए। हम सब मुल्तान वासी आपके जीवन भर ऋणी रहेंगे, आपके आभारी रहेंगे। साथियों, गैर राजनीतिक